We are begin on midterm test, okay? Small test of reading. कल हमने जो reading के rules किए हैं, उसी के base पे थोड़ा सा read करने की कोशिश करेंगे, से पता चले कि आप लोगों को reading आई है या थोड़ी-थोड़ी आई है, right? Check करेंगे. So maybe मैं जिस word की तरफ इशारा करूं, आपको try करना है पढ़ने का. परफेक्ट. डबल एम, डबल कॉन्सोनेंट बिकम्स हाफ. कम ब्रेमन ब्रेमन Music. This one. We get. Easel means donkey. Okay. Arbiton. Hundefooter. Yes. So double T again, footer, right? टॉप पे रुकना नहीं. हुंड फूटर, सही पढ़ रहे हो बिल्कुल. हुंड हल्का हल्का सा ट का साउंड. हुंड ओके. दिस वन मियर. कांस. एन पे रुकना नहीं, डबल ना कॉन्सोनेंट. वेरी गुड. डी हल्का सा टे साउंड करता है लास्ट में आए तो. वाल्ट. लंगजाम. जे बोल रहे हो उसको क्योंकि एस के बाद में वोवल है, इसलिए लंगजाम. I'm unable to see the screen, like it's not, it's blurred. बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर. ओके. आप जहाँ पे देवकरण दिख रहा है आपको, उसको पिन करो एक बार, या फिर एग्जिट होके वापस आओ. मे बी इट कुड बी ऑल्सो इंटरनेट. Then here, Taurish. Good. जिसके भी background से noise आती है, ध्यान रखना है, खुद को पता रहता है अपने पीछे कौन खेल रहे हैं, राइट? कहाँ हैं हम लोग? मोटरसाइकिल पे चलते चलते नहीं पढ़ना है ना? कभी कभी आवाज़ आ जाती है पीछे से. आराम से कूल शांत जगह पे रहना है. मैं भी कोशिश करता हूँ. ओके डन. दिस वन जिंगन. वासर सह रहेगा. जे तो नहीं होगा. Double S is always sir. What sir? Sir. Master. Yes. So, ye. Munch. Okay. अब मैं सबको बोलूँगा mute करने के लिए, क्योंकि एक दो सुधरेंगे नहीं. खैर, ये मेरे को reading का इसलिए जरूरी था कि कल हमने जो
रूल लर्न किए हैं वो काम तो करते हैं ना बराबर, ये देखने के लिए इसलिए आपको ये रीडिंग करवाया, और इस बीच में बाकी लोगों ने ज्वाइन भी किया। आलिस क्लार, ओके गुड। आज हम लोग सबसे पहले तो कल जो आपको होमवर्क दिया था वो प्लस काइन और निष्ट को लेके, कल जब आप लोगों के एक्सप्रेशंस थे ऐसे लग रहा था सर आपने बता तो दिया लेकिन अभी गया नहीं है अंदर। सो काइन और निष्ट का वो सेंटेंस भी करेंगे और एक एक्सरसाइज भी है उसको भी हम लोग देखेंगे। आपके सेंटेंस लेने से पहले मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं, किसी ने भेजा है मुझे काइन और निष्ट, आप ट्राई करेंगे कि आपको क्या लगता है काइन ठीक है यहां पे निष्ट है ठीक अकॉर्डिंग टू अवर रूल। इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा ये, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक तो पहले ही लिख रखा है उसने एग्जांपल, दस इष्ट निष्ट हेयर खेलनर, एयर हाइस्ट एरिक, यहां पे काइन आएगा कि निष्ट आएगा? निष्ट आएगा, निष्ट आएगा, निष्ट आएगा, यस, क्योंकि एरिक का कोई आर्टिकल नहीं होता, नाम का कोई आर्टिकल होता ही नहीं, देवकरण ऐसे थोड़ी बोलोगे, डेयर देवकरण, नाम का आर्टिकल नहीं होता। सो जब आर्टिकल ही नहीं है तो काइन की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि काइन तो खुद आर्टिकल है। आर्टिकल होता है जब कोई नाउन जिसका आर्टिकल डेयर दी दास हो, काइन अकेला नहीं आता, आफ्टर काइन दैट नाउन जिसका आर्टिकल है वो वाला नाउन आता है उसके आगे। ओके ध्यान, अपन को किसी को कहना नहीं है लेकिन ऐसे किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आए तो बस मुस्कुराना है, उसके नाम की तरफ देख, उसके नाम की तरफ देखना है कि अच्छा ये है वो, ठीक है, कहना किसी को कुछ नहीं है, मैं भी जनरली ऐसे ही करता हूं ताकि अपन को पता भी चल जाए है कौन बस, और खुद अपना ध्यान रखो मेरी तरफ से नहीं जाए। वी आर वोनन निष्ट इन इटालियन, यहां निष्ट ठीक है क्या? यस यस सर, यस, बिकॉज निष्ट के बाद में कोई ऐसा नाउन नहीं है इसलिए निष्ट ठीक है, काइन के बाद में नाउन आता है। असलम सर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टरबेंस। असलम या लॉट ऑफ डिस्टरबेंस, मेरे पास तो वो भी राइट है कि मैं यहां से सबको म्यूट कर दूं और केवल अपना ज्ञान झाड़ दूं लेकिन वो मैं चाहता नहीं, आप खुद ही कंट्रोल रखो, ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि आपसे मेरे को फीडबैक मिलता है, आइडिया लग जाता है। यहां लिखा है इन्होंने इश हाबे काइन गेल्ड, ये ठीक लग रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नाउ में आई हैव नो मनी, आपकी बार नया है। ओके वीर जिंड निष्ठ पॉलिटिकर, यस यस निष्ठ पॉलिटिकर, यहां काइन आना चाहिए भाई, काइन पॉलिटिकर जो वर्ड है उसका आर्टिकल होता है कि भाई हम लोग कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा खाइने, वी आर जिंट खाइने पॉलिटिकर, आज सिंगुलर प्लूरल सिखाऊंगा तब आपको और पता चलेगा कि यहाँ पे खाइने क्यों आएगा, ये प्लूरल क्यों माना गया वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको इससे भी पता चल रहा होगा जिंड, जिंड प्लूरल के लिए आता है, ये जिंड जो है ये जाइन वर्ब है, वो भी मैंने आज अपने प्रोग्राम में ले रखा है, जाइन हाबन भी लूंगा, तो यहां पे काइने पॉलिटिकर आएगा, निष्ठ यहां पे ठीक नहीं है, वी ए जेंट काइने पॉलिटिकर, पॉलिटिकर का मतलब होता है पॉलिटिशियन। सो देवकरण कैन यू प्लीज रिपीट लाइक यू सेड, इफ इट इज काइना देन देयर शुड बी सम समथिंग यू सेड इन हिंदी, आफ्टर काइन नाउन मस्ट बी देयर एंड दैट इज आल्सो इंडेफिनेट नाउन, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब इट शुड नॉट बी सम पर्टिकुलर, ओके, जैसे कोई बोले मैं तुमको पढ़ा तो देता हूं लेकिन मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूं भाई, मैं तो हूं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, इट्स बीन काइंड लेरर, मैं कोई टीचर नहीं हूं, तुम कोई बच्चे नहीं हो, बार बार कहना पड़ता है कि नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से, तो जी जिंड काइन ए किंडर, काइन है आपकी बार, कोई बच्चा, कोई पर्टिकुलर बच्चे की बात थोड़ी करी मैंने, आई एम सेइंग इन जनरल, व्हेन यू से इन जनरल इंडेफिनेट नाउन इज देयर,
and when you specify, right, he is not father of Ravi, ये रवि के पापा नहीं है, तो रवि के पापा तो स्पेसिफिक हो गया ना, तो वहां तो निष्ठ आ जाएगा, ओके? लेकिन मैं बोलूं, कोई मेरे को बोले आपके बच्चे कैसे हैं, मैंने कहा भाई मेरे बच्चे बच्चे नहीं है, आई हैव नो किड्स, सपोज फॉर एग्जाम्पल इश हाबे काइन किंडर, बिकॉज बच्चे कोई स्पेसिफिक बच्चों की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, ओके, आई डोंट नीड एनी पेन, मेरे को कोई पेन नहीं चाहिए, तो मैं जनरल मना कर रहा हूं ना, जब जनरल मना करूंगा तो काइन आएगा, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक नाउन देन निष्ठ का तो वर्ब को डिनाई करें तो भी आएगा, एडजेक्टिव को डिनाई करें तो भी आएगा, एडवर्ब को डिनाई करें तो भी आएगा, और डेफिनेट नाउन को डिनाई करें तो भी आएगा, ओके, दस इष्ट, ओके, यहां पे एस वेल्ड आम जोनटाग काल्ट लिखा हुआ है, काल्ट का मतलब है ठंड, निष्ठ आएगा क्योंकि ये कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, काल्ट वार्म, सो एडजेक्टिव को डिनाई करें तो निष्ठ ही आता है, ठीक है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब डेफिनेट नाउन और एडजेक्टिव एडवर्ब डेफिनेट नाउन और वर्ब को डिनाई करें, वर्ब को डिनाई, यस, गिडिश्ट का आर्टिकल होता है दस, गिडिश्ट कविता पोइम, सो दिस इज काइन, काइन आएगा, काइन काइन आएगा बिकॉज इसका आर्टिकल है, ये कोई पोइम नहीं है, कोई मेरे को दिखाए कि ये बताना मेरी कविता कैसे लिखी है, मैंने देखा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, उसके बाद में नहाने जाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, खुश रहता हूँ, अरे भाई ये कोई कविता नहीं है यार, तूने ऐसे चार सेंटेंस लिख दिए, ये कोई कविता नहीं है, सो दस इज काइन गिडिश्ट, सो नाउन गिडिश्ट इज ए नाउन एंड नॉट डेफिनेट, दस इष्ट निष्ठ मान, निष्ठ माइंड गिडिश्ट, अब पर मेरी कविता तो डेफिनेट हो गया मेरी, सो दस इज निष्ठ, और आप वैसे भी समझ जाओ कि काइन खुद, काइन तो खुद आर्टिकल है और माइन भी आर्टिकल है, तो दो आर्टिकल तो आएंगे नहीं वैसे भी, यस, हाबन जी ईरे शू, शू है बिकॉज अगर काइन आता तो उसके बाद में कोई और नाउन आता, सो आफ्टर वर्ड देर इज नो नाउन, सो विदाउट नाउन काइन इज नॉट पॉसिबल, निष्ठ, एंड वैसे भी ईयर शू है स्पेसिफिक, माइन मन हाइस्ट हाइनरिश, निष्ठ आएगा या काइन आएगा, निष्ठ आएगा, नाम लिख दिया निष्ठ, हाइनरिश मेरे हस्बैंड का नाम नहीं है, हाइनरिश, एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज सर, कुड यू प्लीज रिपीट 6 and 7, काइन एंड निष्ठ, इट्स द सेम सेंटेंस, काइन गिडिश्ट एंड निष्ठ माइन गिडिश्ट, सो माइन मेक्स इट स्पेसिफिक, माइन, ओके, राइट, माई बेबी, सो इट्स अ डेफिनेट नाउन, यस, सो इट गोज इन डेफिनेट कैटेगरी, सो विद डेफिनेट ऑलवेज निष्ठ, एंड इन जनरल कॉमन takes kind. Yeah. Okay. Excuse me, sir. Yes, Dank, please. Dank. Sir, what would be the placement structure for nish? Like you said that kind always comes before an indefinite noun. But nish can come like after it and also before it. Nish. For nish. If you are new, you can write nish just after the verb, normally. Okay. That would be the best solution. For the time being. Oh. Yeah. So, Zind Das, Erebusher, आपकी किताबें हैं क्या?
आपकी किताबें नहीं है क्या? निष्ट क्योंकि स्पेसिफिक हो गया ना आपकी किताबें, सो निष्ट. दस एग्जाम इष्ट इम यूली. एग्जाम जुलाई में नहीं है. निष्ट निष्ट इम यूनी. देखो काइन आता तो उसके जस्ट बाद में नाउन आता ना, बट इसमें तो कुछ और आ रहा है. सो निष्ट इष्ट ईयर गेबूरस्टाग अम डोनस्टाग निष्ट. थर्सडे को आपको बर्थडे नहीं है. एरिक हार्ट काइनसाइट. ही हैज नो टाइम. कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बोला. ही हैज नो टाइम. काइनसाइट. ओके फ्यू मोर सर. यस प्लीज. पीछे एन एन के पीछे ई क्यों लग गया? काइनेट. काइनेट क्योंकि साइट का आर्टिकल दी साइट होता है, फेमिनिन है वो. सो हार्ट इज हाबन. हार्ट इज हाबन. हाबन वर्ब इज अक्यूजेटिव. हाबन वर्ब इज अक्यूजेटिव. पता चलता है कौन सी वर्ब अक्यूजेटिव है, डेटिव है? हां सर वो तो. तो हाबन इज अक्यूजेटिव एंड काइन साइट इज दी साइट. सो काइन की टेबल में फेमिनिन अक्यूजेटिव विल बी काइन है. द टेबल इज लाइक काइन काइने काइन काइने काइन काइने काइन काइने काइनन काइने काइन काइने. सो फॉर फेमिनिन अक्यूजेटिव इज काइने एंड इन डेटिव इट विल बी काइनम काइनर काइनम काइनन प्लस एन. सो वी आर टेकिंग इट फ्रॉम हियर फेमिनिन एंड अक्यूजेटिव. ओके सर. गुड. Wild S निष्ट. निष्ट क्योंकि डुंकल जो है वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है. कोई बोले नाउन का एडजेक्टिव का कैसे पता चले? एडजेक्टिव जो है हमेशा छोटा लिखा जाता है, स्मॉल. नाउन इज ऑलवेज कैपिटल. सो डुंकल. सो ऊपर वाले में ये कैपिटल था. काइनेट साइट एंड इट इज निष्ट. निष्ट एडजेक्टिव है. निष्ट डुंकल. माइने ग्रोस मुटर निष्ट क्रांक. बिकॉज जो क्रांक है इसका मतलब है सिक, बीमार. एडजेक्टिव है ये. सो निष्ट क्रांक. इश बिन निष्ट. यस बिकॉज उसके बाद में कोई नाउन आ ही नहीं रहा, जस्ट बाद में. आप ये मत सोचना आ रहे हैं ना सर उसके बाद में आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आए उससे मतलब नहीं है, उसके जस्ट बाद में देखना पड़ता है. तो इश बिन निष्ट टू हाउस. आई एम नॉट एट होम. और आप धीरे धीरे जब इसको बार बार देखोगे तो आपको ये फील भी आएगा, जहां पे निष्ट आ रहा है वहां पे नॉट, जहां पे काइन आ रहा है वहां पे नो और नॉट एनी. राइट क्योंकि वो जनरल है. But what formula is here? Like, nicht comes after adjective, adverb, all this, or else definite noun, right? I am not at home. So, kein. If you use kein, you can say kein will come always before some noun. There has to be some noun. Definite noun. After kein, no. Indefinite noun, general noun. If there is no noun, it means kind is not possible. So here in this case, after this word, there is no noun. Just immediately, उसके just बाद में. Er ist der Verkäufer, salesman. Nicht. निष्ट. किसी के दिमाग में काइन आ रहा है तो उसको निकाल दो, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी आर्टिकल. डबल आर्टिकल इज नॉट पॉसिबल. यस ऑलरेडी आर्टिकल इज देयर.
तो डबलिंग नहीं कर सकते ना, कोई एक ही आर्टिकल आएगा, ऐसे नहीं बोल सकता एरिश डेयर माइंड फाटर, डेयर भी माइंड भी ऐसे नहीं चलेगा, एरिश डेयर फाटर एरिश माइंड फाटर, कोई एक ही आएगा आर्टिकल एक बार में। इष्ट दी लैंड काटे निष्ठा, ओके माइन टंटे वॉन्ट निष्ट इन म्यूनशन हाफ ईयर काइन गेल्ट ये नाउन आ रहा है ना, जनरल नाउन, सो निष्ट और काइन। यस हेलो, यस सर, नंबर एट नंबर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना। एट्थ वन, यस सर, हाबन जी इरे शू है नाइन नाइन सर, नाइन निष्ट आएगा ना, okay, sir. You mean this one? Yes, sir. Mein Mann heißt Heinrich. तो Heinrich तो proper noun है, proper का मतलब ही definite हो गया, तो definite में तो निष्ठ आता है। ठीक है सर, एक second last question है, अभी आपने जो पढ़ाई पर वो explain कर दो, लैंड कार्टे वाला, इस्ती लैंड कार्टे। अपने पास दो ऑप्शन है, निष्ट और काइन। काइन तो तब आ सकता है जब उसके बाद में कोई नाउन आ रहा हो, तो यहाँ तो नाउन है ही नहीं, ओके सो निष्ट। सिंपल फंडे हैं जर्मन के, बस एक के बाद एक आपको देखना है। यस प्लीज सर, विनय या विनय सर, एक्चुअली 9 पॉइंट पे जो भी आपने बोला था ना, एक बार सर 9 पॉइंट पे ऑफिस जाइएगा। हाँ सर, 9th वाला सर, 9 ये माइन मन हाइस्ट, ये नाउन है ना सर, आगे आपने बोला ना नाउन से पहले तो काइन यूज करेंगे हमेशा। नाउन तो है लेकिन प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए ना, डेफिनेट नहीं होना चाहिए। डेफिनेट का तो मैंने निष्ट लिखवाया आपको, इफ देयर इज डेफिनेट नाउन प्रॉपर नाउन, मतलब बिना आर्टिकल का सर, आर्टिकल होना चाहिए तभी पॉसिबिलिटी है काइन और काइन की। अच्छा काइन और काइन की, आर्टिकल है तो ठीक है, क्योंकि डबल, हाँ क्योंकि आर्टिकल के साथ ही अपन यूज कर सकते हैं काइन का यूज। यस बिकॉज काइन काइन आप काइन की तो पूरी टेबल होती है, आप समझते हो, वो टेबल इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको देर है कि दी है, तभी तो काइन काइन है, काइन काइन है, काइन एन काइन है, काइन काइन है, ये आर्टिकल के हिसाब से ही तो चलता है। राइट, सो प्रॉपर नाउन का कोई आर्टिकल नहीं होता, नाम का मतलब। अच्छा जब भी कभी अगर बिना आर्टिकल के अगर करते हैं सर, तो उस दौरान में अपने को निष्ठ का यूज ही करना है ना, नाम आ जाए किसी का नाम, रवि दिनेश हाइनरिश पेटर सूर्या विनय, नाम आ जाए तो ऑलवेज निष्ठ, ऑलवेज निष्ठ। हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बीटी शोन कहाँ पे, भीलवाड़ा में हो, चित्तौड़, चित्तौड़ नहीं सर, चित्तौड़गढ़ अभी, चित्तौड़, ओके गुड। नाउ आई एम प्लानिंग टू हैव इररेगुलर वर्ब्स फर्स्ट, इररेगुलर वर्ब्स, हमने रेगुलर वर्ब किया, रेगुलर वर्ब में कुछ लोग सोच रहे हैं सर कल आपने काम भी दिया था काइन निष्ठ का, उसको बाद में करूंगा मैं, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा है दिमाग में, थोड़ी देर बाद में करेंगे ताकि वापस से एक बार प्रैक्टिस हो जाए। सो कल हमने जो किया रेगुलर वर्ब्स का कंजुगेशन, वर्ब कंजुगेशन, ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, बोलते जाओ एश Ish, do, do, air, air, as, is, z, hear, hear, z, z. This is the formula. Normally, for most of the verbs, this is the formula. Okay? So, ज़्यादातर verb में ऐसे ही होने वाला है, ज़्यादातर में,
लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होती हैं जो किसी की नहीं मानती, वो मेरी भी नहीं मानती, किसी की नहीं मानती, ऑफ कोर्स आपकी भी नहीं मानेंगी वो. सो उन वर्ब्स को हमको लर्न करना पड़ता है. वो कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं चलती, उनको लर्न करना पड़ता है. तो ऐसे कितनी लर्न करें हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स का कंजुगेशन देखते हैं वो कैसे काम करता है. ऐसी वर्ब्स जो बार बार आती हैं उनको तो लर्न कर ही लो ना, क्योंकि हर पांचवी वर्ब में वो दिख जाए बार बार. जैसे मान लो कोई बोले खाना, तो बार बार खाना तो आएगा ही, देखना, मिलना, इस तरह की, सोना, इस तरह की कुछ वर्ब्स हैं, बोलना, पढ़ना, ये डे टू डे लाइफ में आती हैं, हेल्प करना. ये वर्ब्स जो मैं बोल रहा हूं ये इररेगुलर वर्ब्स हैं. कैसे? मैंने लर्न कर रखी है इसलिए, और कोई इसका कोई चमत्कारी तरीका नहीं है, लर्न करना है अपन को. ऐसी वर्ब में साइन और हाबन दो वर्ब ऐसी हैं जो जर्मन लैंग्वेज में सबसे ज्यादा काम में आती हैं. आई हैव इट, इट इज, किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना हो, दिस इज माई पेन, दिस इज द बोर्ड, दिस इज माई हाउस, इज बोलना हो तो अभी तक तो इज के लिए आई नहीं रही थी कोई वर्ब. कल मैंने आपको लिखवाया आई एम कुकिंग, ही इज गोइंग, सी इज विजिटिंग, तो इज आर तो आ रहा था, बट वी वर नॉट यूजिंग इज आर एम. सो वी डोंट यूज इज आर एम व्हेन ऑलरेडी सम अदर वर्ब इज देयर. सो पहले मैं एक बार यहां पे कल वाली वर्ब्स में से कुछ लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल मे बी कोखन, कल की थी ये वो वर्ब है, इश कोख, डू कॉक्स्ट, So there is a fixed formula E S T T T T E N T E N E N. ये तो fixed formula है. ये तो मैंने केवल इसलिए लिखा है अभी, ये तो regular verb है, ये इसलिए लिखा है कि अगर मेरे को बोलना हो I am cooking और she is cooking बोलना है, she is cooking क्या होगा? She cooked. अब इसमें already is दे रखा है, बट फिर भी हमको नहीं लिखना, बिकॉज इन जर्मन लैंग्वेज कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनेट आर सेम है, अलग से कुछ लिखना ही नहीं पड़ता. कब? जब ऑलरेडी कोई वर्ब हो. यहां पे इज के अलावा कुकिंग इज ऑल्सो ए वर्ब, कुकिंग इज ए वर्ब. सो व्हेन कुकिंग, गोइंग, स्लीपिंग, कमिंग, कोई भी वर्ब है, इफ सम वर्ब इज देयर देन इज आर एम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, उसको अलग से नहीं मेंशन करना पड़ता. बट हियर साइन एक वर्ब है जिसका मतलब है, यस सर, इज हम मेंशन कर दे तो वो सेंटेंस गलत बनेगा. इज हम अगर लिखते हैं सेंटेंस में तो वो उसका मीनिंग सही रहेगा ना, मतलब गलत तो नहीं होगा ना. इसमें अगर आप मान लो इज भी लगा दो अलग से तब, हाँ, तो गलत हो जाएगा ना. वर्ब कंजुगेशन कम्स ऑन सेकंड पोजिशन. सपोज यू आर राइटिंग वन एक्स्ट्रा वर्ब, देन इट इज डबलिंग. वी डोंट नीड टू वर्ब्स, वी नीड ओनली वन वर्ब. मतलब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब फॉर द टाइम बींग. अभी तो एक ही है, फिर कभी बाद में आएगी तो बताऊंगा. वी डोंट नीड सेकेंड वर्ब हियर, इट्स ऑलरेडी देयर. सो हियर दिस वॉज द नॉर्मल वर्ब. ये मैंने केवल इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि कहां पर जाइन यूज करना है, कहां पर नहीं करना. दिस इज द नॉर्मल वर्ब, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन. दिस इज इररेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब. सो इररेगुलर वर्ब का तो कंजुगेशन लिखना पड़ेगा. ओके,
इसका कंजुगेशन तो नॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल होता तो यहां लिखता ही नहीं मैं. दीज टू आर इररेगुलर वर्ब्स. हैबन इज टू हैव. फॉर एग्जाम्पल आई से आई हैव ए कार, यू हैव ए बॉस, दे हैव ए ब्यूटिफुल हाउस. सो हैज हैव, इसका मीनिंग हैज हैव है इसमें डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. सो ऑलवेज यू विल कॉन्जुगेट लाइक एश डू ए आर एस जी वी आर ईयर जी जी. ये होगा या कोई नाम होगा, इसके अलावा तो सब्जेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता. कोई नाउन होगा, ये सब प्रोनाउन है. आइदर यू नीड ए नाउन और प्रोनाउन, दैट्स इट. सो कंजुगेशन इसका डिफरेंट है. बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो आप ध्यान रखें, ठीक है. डू हस्ट हस्ट बी नहीं आएगा. ये लर्न करना है. आप मन में सोचोगे बी क्यों नहीं आएगा, ऐसे मत सोचना क्यों नहीं आएगा, ऐसे सोचना अच्छा बी नहीं आएगा बस. एस हार्ट, जी हार्ट, एयर हार्ट, हाबन, 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 हाबन. जाइन है तो यहां पे स्टार्ट एस से हो रही है, इसका होगा इस बिन. बी कहां से आ गया, लर्न करना है बस, ऐसे ही आता ही है. इस बिन डू बिस्ट, डू बिस्ट, ये जाइड है और ये जिंड 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 ऐसे ही है. सो आई एम इज आर एम, इनका मीनिंग है बट अकॉर्डिंगली इन कॉन्टेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड. अगर मैं बोलूं आई एम देवकरण तो इसके सीध में बिन है तो बिन ही लगा देना. इस बिन देवकरण, अगर इस बिष्ट देवकरण कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जो इसके सीध में है वो ही बोलना पड़ेगा, राइट. एक जर्मन Yes. Excuse me. Sir, could you explain the meaning of Z gross and Z small ones? Yeah. Gross Z and klein Z. This Z is C. This Z is U, informal. And this Z is they. सबसे पहले तो ये देखो कि ये तो दोनों छोटे ही हैं, बोथ आर स्मॉल, राइट. बट एक तो सी है और एक दे है, इनके वर्ब कंजुगेशन से पता चल जाएगा आपको. जब भी सी आएगा यू विल सी टी एंड वेन दे देन ई एन, थोड़ा आइडिया लग जाएगा. और इन कॉन्टेक्स्ट सपोज यू आर मेकिंग सेंटेंस, यू ऑलरेडी नो कि अब खुद ही तो कर रहे हो बात, दे आर कमिंग, सो देयर हैज टू बी सम कॉन्टेक्स्ट. ये पर्सनल प्रोनाउन वी यूज वेन सम कॉन्टेक्स्ट इज गिवन. ओके सपोज मैं आपको बोलूं आज संडे है, मंडे को वो आएंगे, आप बोलोगे कौन आएंगे मंडे को. मंडे को आपकी क्लास 11 से 12 तक वो लेंगे, आप बोलोगे कौन लेंगे. अरे वो लेंगे मेरे गुरु, उन्होंने हाँ कर दी है. तो अब मैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं मेरे गुरु कौन है, कौन लेंगे. पहले मैंने आपको बताया होता कि प्रोफेसर जेवीडी मूर्ति
हैदराबाद में रहते हैं, वो मेरे टीचर हैं, और कल 11 से 12 की क्लास वो लेंगे, उन्होंने एग्री कर लिया है. ही इज कमिंग टुमारो, ही विल टेक द क्लास, ही इज टेकिंग द क्लास. तो नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशनड, मैंने आपको बता दिया प्रोफेसर जेवीडी मूर्ति के बारे में पहले, और फिर मैं अगले सेंटेंस में आई कैन यूज ही इज कमिंग, राइट? सो देर मस्ट बी सम कॉन्टेक्स्ट, पहले कोई स्टोरी तो होनी चाहिए जिसके बारे में, तभी तो आप ही बोल सकते हो. सो उन्होंने कल ही कंफर्म किया है, सो कल आपको टिप्स देने वाले हैं प्रोफेसर जेविड मूर्ति. ये इंफॉर्मेशन भी थी. या सो इश हाबे डू हास्ट, इफ आई से आई हैव ए बुक, अ और द, उसके लिए तो टेबल हमने करी थी, द की टेबल और अ की टेबल, फॉर्मूले तो दोनों आपने लर्न कर लिए होंगे. नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये पूरी टेबल का मतलब है द. इस पूरी टेबल का मतलब है अ. किसी का डाउट है सर? ये टेबल कैसे याद करूं? ये नहीं पता मुझे कैसे याद करोगे, करनी है आपको याद. फर्स्ट एंड सेकेंड टेबल आर ऑलमोस्ट सेम, दी दी दस दस दी दी, ये अलग है. हियर ऑल्सो आइने आइने आइन आइन, ये अलग है. ठीक है, ये अब मेरा सेंटेंस है, आई हैव अ बुक, बुक को बोलते हैं दस बुक. इश हाबे आइन बुक, हाबन जो है वो अकुजाटिव वर्ब है, हाबन इज अकुजाटिव वर्ब. इश हाबे आइन बुक अकुजाटिव है, सो न्यूट्रल, दस से पता चलता है न्यूट्रल, और अ के टेबल में न्यूट्रल में अकुजाटिव आइन. नॉमिनेटिव में फोर थे ना, ज़ाइन, हाबन, वर्डन, ब्लाइबन. ज़ाइन हाइसन. दैट इज हाइसन. ज़ाइन हाइसन. यस. ओके. दैट इज हाइसन. दिस इज नॉमिनेटिव. ज़ाइन फर्स्ट नॉमिनेटिव वर्ब. ओके. इफ आई से द बुक is good, das book is good. ist, ye jo ist hai na, ye is hai. Is verb aapko most of the time kya hamesha hi तब दिखेगी जब आपको किसी चीज का इंट्रोडक्शन देना हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी, दिस इज द बुक, ही इज माई फादर, दे आर माई फ्रेंड्स. तो आपको बता रहा हूं कोई चीज क्या है. वट इज दिस? दिस इज द फैन, दिस इज द पेन. किसी भी चीज के बारे में बताते हो आप, इज का मतलब ही यही है, कोई चीज क्या है. सो वहां पे ये काम आएगा, एंड अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट,
इश है तो बिन, डू है तो बिष्ट। कोई बोले यह है समझदार है, इसके बैकग्राउंड से नॉइस भी नहीं आता, इससे ही पता चलता है यह है समझदार है, समझदार। तो इंट्रोडक्शन ही तो एक तरह से उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। ओके, ही इज माई फ्रेंड, सो इंट्रोडक्शन है एक तरह से कि दिस इज रवि, ही इज माई फ्रेंड, इंट्रोडक्शन तब काम में आती है ये। वी आर हियर, हम यहां पे हैं। सो ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इररेगुलर वर्ब्स, हम लोग इररेगुलर वर्ब्स सीख रहे हैं। इररेगुलर वर्ब्स डू नॉट फॉलो द फिक्स पैटर्न, फिक्स पैटर्न इज दिस वन। सर यस, हाउ वुड यू राइट दिस इज मी, if you are introduce, if you are telling something about yourself and then you point out that this is me, then how would you say that in German? This is interesting, this jo hai na wo khud hi interesting hai. Das, there is a word das, ek to der di das hai, der di das. Here meaning of all these three is the, but there is a condition, after these dare the das there will be some noun, for example dare coolie, die Frau, das Kind. So dare the das is there and some noun is there, then meaning is the. But suppose if you see das and just after das noun is not there, then there may be four meanings, this, that, these and those. So this and that is for singular and these and those for plural. If I say this is me, so sentence banega das bin ich, das ist. इश्ट कैसे आ सकता है इसके साथ? इसके साथ तो बिन आता है। वापस देखो, नॉमिनेटिव। यस, इसके साथ तो बिन आ सकता है ना, आई एम, दिस इज मी, मी तो आई तो है, और जो वर्ब है नॉमिनेटिव है, जाइन वर्ब इज नॉमिनेटिव। सो व्हेन यू से दिस, सो दिस एंड वर्ब विल कम ऑन सेकेंड पोजिशन and then me, mish नहीं कर सकते, although ish, mish, mere, this is the table for personal pronoun, but we need here nominative. Why? Verb is nominative. Verb is nominative. So this is me. अगर मैं किसी को बोलूं these are my students, these are, so das. These is also das. Das sind meinem Studenten. Das sind meinem Studenten. Sir, meiner आएगा या meinem आएगा? अभी सिखाऊंगा. Meiner. Mein सिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में आज. अब इंग्लिश का मुझे कम पता चलता है. जर्मन में ऐसे लिखेंगे. Das bin ich. राइट अब इंग्लिश में दिस इज मी सही है कि गलत है वो आप खुद देखो. ठीक है, सो दिस दैट दीज दोज, दिस और दीज जो पास में है, दैट एंड दोज जो दूर है. ओके नेक्स्ट, नाउ आई विल टेक सम मोर इररेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर ए लिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट द मीनिंग. Brechen is to break. Essen is to eat. To eat. So Brechen to speak. Sterben is to die. To die. Werfen to throw. Geben to give. To give. Treffen to meet. To meet. Forgetting to forget.
meat. These are the verbs. And these are irregular verbs. Common verbs, but irregular. Irregular means they do not follow that fixed pattern. They do not follow that fixed pattern. EST. Okay. Irregular verbs. And in sab irregular verbs ko maine ek saath isliye likha hai because they do not follow that fixed pattern, but they follow, these all the verbs follow another fixed pattern. Here E changes into I. Irregular verbs में आप एक interesting चीज देखोगे किसी किसी में. Irregular verb में generally changes happen with do and ASG. For example, if I take given, for example, given. Given is to give. Change will be, मतलब first E will change into I. Sir, sorry to disturb. Sir, कोई तो traffic में अटक गया है sir. शायद traffic का sound हमको सुनाई नहीं रहा है. दुनिया में दुख काफी है. सर उसको क्वाइट प्लेस पहुंचने तक हम रुके क्या? क्वाइट प्लेस तक आपने इतनी बार बोला है कि आपने इतनी बार बोला है, टॉन्ट में भी बोला है कि क्वाइट रखो. हाँ, इस बारे में मैं थोड़ा विचार करता हूँ क्या करना चाहिए, थोड़ी देर और देखता हूँ. नहीं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं. और आप लोग एक काम करो, आप लोग केवल सुनो, ठीक है? जब मैं बोलूं तभी आपको जवाब देना है. और थोड़ा और नोटिस करता हूं मैं, आप लोग अपने आप मान जाओ तो ठीक है. मैं मुस्कुरा के बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि मेरी पेशेंस मेरा ज्यादा है, दैट्स इट. सो आप लोग ध्यान रखो, नहीं तो मैं फिर सबको म्यूट करके फिर पढ़ाऊंगा. आगे पढ़ाऊंगा तो सही, मैंने डिसाइड कर रखा है कि क्या क्या पढ़ाना है. सो आप लोगों को जिसको बोलूं तभी आप बोलो, ठीक है? आप लोग केवल सुनो, एक बार केवल सुनो. इश गिबे डू गिफ्ट एयर गिफ्ट एस गिफ्ट जी गिफ्ट वियर गेबन ईयर गैप्ट जी गेबन जी गेबन. ओके, ये वर्ब गेबन वर्ब है. ये गेबन वर्ब है और ये इररेगुलर वर्ब है. क्यों? क्योंकि मैंने यहां लिख दिया है, दीज आर इररेगुलर वर्ब्स, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इररेगुलर वर्ब्स. एंड इररेगुलर वर्ब्स डू नॉट बिहेव लाइक रेगुलर वर्ब्स, मीन्स दे डू नॉट फॉलो दैट फिक्स पैटर्न. द फिक्स पैटर्न इज ई एस टी 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 ई एन टी ई एन ई एन, दिस इज द फिक्स पैटर्न. सो दे डू नॉट फॉलो दिस, सो दे हैव देयर ओन पैटर्न. बट उसमें मैंने वो वर्ब छांटी है जो सेम पैटर्न फॉलो करती हैं, कोई डिफरेंट पैटर्न है बट सेम है. और उसमें मेरे को लगा कि ई इज चेंजिंग इन टू आई, फर्स्ट ई. फॉर एग्जाम्पल दो ई है तो पहला ई, ये वाला ई, ये फर्स्ट. लेकिन ये रूल फर के लागू नहीं होता. अर फर सर इस तरह के जो है, गे बे एंट एम्प और मिस, ये स्पेशल केसेस होते हैं जर्मन में.
इसकी बात बाद में करूंगा, बट ऐसा कोई आ जाए तो उसमें ये चेंजेस फॉलो नहीं होते, उसके बाद होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे फर आ गया तो यहां पे ये फॉलो नहीं होगा, यहां से फॉलो होगा, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। फर्स्ट ई चेंजेज इनटू आई, किस किस में? इन चार में ओनली, डू एयर एस जी। सो फर्स्ट ई इज चेंजिंग इनटू आई, यस, गिप्स्ट नहीं करके गिप्स्ट हो गया, ई आई बन गया, यहां भी यहां भी। दिस इज इरेगुलर, दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलर वर्ब। एक और बताऊंगा, बाकी को आप सब खुद कर सकते हो, इसको बता देता हूं क्योंकि मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया। फर्गेसन, फर्गेसन इस फर्गेस है, डू फर्गिस्ट, ये ई यहां वाला चेंज होगा, डू फर्गिस्ट। एयर एस जी फर्गिस्ट, वियर फर्गेसन, ईयर फर्गेस्ट एंड जी जी फर्गेसन फर्गेसन। सो ये इरेगुलर वर्ब है, बाकी ये सब ऐसे ही काम करेंगी। जैसे एसन होगा तो इस एस डू ईस्ट, एयर एस जी ईस्ट, वियर एसन, जी जी एसन, ऐसे। डाउट है किसी का? यस सर, ये इसमें फर्गेसन में डू और एयर जी एस का सेम रहेगा? हाँ, फर्गिस्ट सेम रहेगा, फर्गिस्ट ऐसे ही okay. एसन में भी होगा। Okay. उसका भी आगे दिखाने वाला हूं आपको, क्यों रीजन भी है उसका एक। सो ये सारी कैटेगरी, जाइन हाबन को तो मैंने अलग से बताया आपको, इरेगुलर वर्ब्स हैं वो अलग ही चलती हैं, ये भी अलग ही चलती हैं, बट ये जो वर्ब्स यहां लिख दी ये इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं कि पहला ई जो है दैट चेंजेज इंटू आई एंड दिस चेंज हैपन्स विद डू एंड एयर एस जी, ये वाली वर्ब है। ये लर्न करने की बात है, स्टर्बन का मतलब टू डाई। ओके नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो इरेगुलर वर्ब्स बट हियर ई चेंजेज इंटू आई ई। ओके लिखता हूं मैं जेहन, पहले इनका मीनिंग लिखता हूं। जेहन इज टू सी, जेहन इज टू सी, स्टेलन का मतलब है टू स्टील, चुराना, देखना। एम्फेलन का मतलब है टू रिकमेंड। गिशेहन इज टू हैपन। बिफेलन का मतलब है टू ऑर्डर। द बोस ऑर्डर्स लाइक, सो ई विल चेंज इंटू ई, मतलब फर्स्ट ई दिस ई, बट हियर दिस ई, बिकॉज ये अभी बताया था कि किस किस में नहीं होता, उसमें एम्प भी था, उसमें जे भी था। यस सर, गेशेहन टू हैपन एंड पासियरन, दे आर द सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग या पासियरन एंड पासन? गेशेहन का मतलब है कोई घटना होना, और उसमें भी पासियरन इज टू हैपन। ओके, सो हियर Zehen to see and this change will happen with do and ASG. Ish do ear SG. Wear ear Z and Z. So for example, इसी को लेते हैं, इस J है, do zist. E is changing into IE. Do zist. And ASG again zit.
zit zit change happens only here and then normal zehen zet jehen and jehen right and befelen ka ho jayega befield isme kuch nahi hoga is I e ka I e mein change hoga so is befele do befielst befield 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 befelen befelt befelen befelen ऐसे ये सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स मतलब इन सब वर्ब्स का बिहेव ऐसे ही होगा दिस इज द रूल यू कैन से लर्न करने ईयर में आई ही नहीं होगा किसमें ईयर इन चार में ही होता है हाँ ओके चेंज विद ओनली दिस फोर ओके नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्ब्स पहले मीनिंग लिखूंगा इसका ताकि इस बहाने से आप बाद में फांगन का मतलब है टू कैच त्रागन का मतलब है टू कैरी और टू वियर पहनना कपड़े पहनना फॉर एग्जांपल एंड टू कैरी समथिंग फालन का मतलब है टू फॉल गिरना लसन का मतलब है एक तरह से छोड़ना लसन टू लीव और भी मीनिंग होता है टू लीव त्रागन अरे दो बार लिख दिया फारन का मतलब है टू ट्रेवल और टू ड्राइव श्लाफन नहीं श्लागन श्लागन का मतलब टू बीट पीटना वाशन इज टू वॉश ये मीनिंग है और इसमें ए द ए विल चेंज इनटू ए उमलाउट इररेगुलर वर्ब है तो ऐसे ही काम करेगी है बस और ये सब के साथ यही फॉर्मूला है ये सारी एक कैटेगरी ऑफ वर्ब्स है एंड ऑफ कोर्स द चेंज विल हैपन विद डू एंड एरएससी लाइक अदर्स सो फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस वन Ish, do, air, s, z, wear, ear, z, and z. Is trage. Trage. Do, trägst. A will change into A umlaut. So, do, trägst. And, trägt. Trägt. Tret, tret, wir tragen, ihr tragt, tragen, tragen. इसका मतलब पहनना भी है मैं टी शर्ट पहनता हूं इस त्रागे टी शर्ट और टी शर्ट्स इस त्रागे और कोई सामान को चेयर को लेके जा रहा हूं इस तरह आगे स्टूल इस तरह आगे डू ट्रेक्स्ट सो फालन इस फाले डू फेल्स्ट उमला उठा जाएगा ऐसी लासन में लेस्ट फारन फेर्स्ट एक फारन और लिखूंगा मैं क्योंकि ये बार बार बहुत ज्यादा ही आएगी इसको लिख देता हूं इस फारे डू फेर्स्ट उमलाउट आ गया एयर फेर्ट 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 वियर फारन ईयर फार्ट एंड फारन फारन इश वाशे डू वेस्ट ये सब वर्ब को हम लोग स्मॉल लिखते हैं कैपिटल मत समझ लेना इसको यस सो ये एक अपने आप में एक कैटेगरी होगी यस प्लीज Sir, could you please go back to the previous slide? I is it clear? इससे पहले वाला स्लाइड जो था ना आपने सेहन स्टेलन वाला कराया ये वाला तो क्लियर है हाँ या थैंक यू जस्ट जस्ट अ मिनट या प्लीज
ज़ेहन स्टेलन एम्फेलन गिशेहन उन्त बिफेलन के डन सर यस सर एक क्वेश्चन है या प्लीज इसमें ये सारे वर्ब्स जो है अकुजेटिव है या डेटिव है ये सवाल तो कठिन है क्योंकि पहले जो मैंने आपको बोला नॉमिनेटिव वर्ब कौन सी है जो चार वर्ब्स आपने बताए थे ज़ाइन ज़ाइन हाइसन हाइसन वेडन ब्लाइबन ऑल दीज वर्ब्स आर नॉमिनेटिव जी दीज आर नॉमिनेटिव वर्ब्स जी एंड डेटिव वर्ब्स आर देव जी है पास सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल अदर वर्ब्स आर अकुजेटिव फॉर द टाइम बींग जब तक मैं कुछ और नहीं बताऊं ओके राइट सो ऑटोमेटिकली दीज वर्ब्स आर देन अकुजेटिव ओके ओके ठीक है गुड Now, sir, yes? Can you please show the first slide, E to I, those words? Yes, I will show you that also after this. Essen, to eat. Ferguson, to forget. ये सब videos भी आएंगे आपके पास. जाऊंगा उस slide में तो मैं. But ये सब video आ तो रहे ना. Hyphen to be called. Yes, sir. App में आ गया. Hello, okay. Hello. Listen is to read. Listen is to sit. इसको देखो पहले अभी. देखो background में फिर मुस्कुराओ. कुछ कहना नहीं है. बस मुस्कुराना है. To eat. Again, change will happen. अब आपको लगेगा कि ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने किसी दूसरे कैटेगरी में फर्गेसन भी मैंने मेंशन किया है इसकी कोई और बात है वो बता रहा हूं ये तो वर्ब लेजन भी शायद आई है इसकी कोई और बात है वो बता रहा हूं एक का मैं कंजुगेशन करके देखता हूं एसन टू ईट ये वर्ब आ चुकी है पहले लेकिन इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे इश एसे डू ईस्ट एयर ईस्ट एस ईस्ट जी ईस्ट वियर एसन ईयर एस्ट जी जी एसन एसन ओके एक और लिखूंगा मैं हाइसन को लिखूंगा कोई भी ले सकता हूं लेकिन हाइसन को ले रहा हूं इस हाइस डू हाइस्ट हाइस्ट Heist, heist, heisen, heist, heisen, heisen. इन वर्ब्स में कोई एक इंटरेस्टिंग बात आपको लग सकती है कि आपको लगेगा अरे ये तो चारों एक से ही हो गए ये तो चारों ही एक से हो गए भाई अरे इधर भी ये तो इसका रीजन ये है एक्चुअली इन डू वी एड एसटी नॉर्मली
in case of do. But if already s is there, then we don't need extra s. If already s is there, अगर पहले से ही s आ रहा है या z आ रहा है, यहां पे en से पहले बिफोर en, इफ z s double s इज देयर, देन वी डोंट राइट एक्स्ट्रा s फॉर डू. तो इनके तो आना ही था, बट इसमें एक और आना चाहिए जो कि नहीं आएगा. सो ऑल्दो दे आर इररेगुलर, बट एक इररेगुलर में भी ये बात और ध्यान रखनी है कि इफ द वर्ब इज एंडिंग, और यू कैन से बिफोर ई एन इफ जेड और एस इज देयर, देन वाइल कॉन्जुगेटिंग डू, डू का कॉन्जुगेशन करते टाइम पे एक और एस नहीं लगाएंगे व्हेन इट इज ऑलरेडी देयर. क्लार? जेड और एस के केस में इज इट ओके? सो दिस इज ऑल्सो इररेगुलर थिंग अबाउट द वर्ब्स. ऐसे करके आपको मैंने 20-30 वर्ब्स लिखवा दी हैं. ये आपको कॉपी में लिखनी है और खुश होना है कि वाह, हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट इररेगुलर वर्ब पता चल गई. दीज आर इररेगुलर वर्ब्स. इनके अलावा एक वर्ब और लिखवाऊंगा बस, एंड देन इट्स डन. जस्ट अ मोमेंट, एक और लिखवाऊंगा. सर हाइजन इररेगुलर वर्ब भी है और रेगुलर वर्ब भी है. नहीं, रेगुलर थोड़ी है, इररेगुलर है हाइसन. तो वो तो नॉमिनेटिव वर्ब बताई थी. रेगुलर और नॉमिनेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है. रेगुलर वर्ब, रेगुलर और इररेगुलर में भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है. जो फिक्स फॉर्मूला फॉलो करे वो रेगुलर, जो जरा सी भी इधर उधर जाए वो इररेगुलर. अभी आपको इतना ही समझना है. ओके, एक वर्ब और बतानी थी मुझे, आर्बाइटन. यस, एक मिनट, उनको भी मैंने बोला था कि स्लाइड दिखा दूंगा, उनको पहले दिखा देता हूं. ओके, याद आ गया आपके सर बोलने से. ओके, एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूं. दिस वन और नेक्स्ट, ये वाली देखनी थी. थैंक यू सर. मैं एक क्वेश्चन था सर. बोलिए. हाइसन जो हाइसन वर्ब है, एक तो नॉमिनेटिव लेते हैं, रहे के ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इसमें दोनों डिफरेंट क्या है? फिर से बोलो साफ आवाज में, फिर से बोलो. हाइसन वर्ब एक तो नॉमिनेटिव है एंड एक ऑब्जेक्टिव में लेते हैं ना सर. ऑब्जेक्टिव भी है हाइसन. नॉमिनेटिव है तो अकुजेटिव कैसे है? वो चार वर्ब नॉमिनेटिव है, जाइन हाइसन वर्डन ब्लाइबल. जो नॉमिनेटिव है वो तो नॉमिनेटिव ही है. टू हैव की बात कर रहा हूं. हाबन है वो तो, हाबन तो डिफरेंट है. हाबन अलग है, हाइसन अलग है और हासन अलग है. ठीक है ना? जो नॉमिनेटिव है वो तो नॉमिनेटिव है. ठीक है सर. हाइसन इज टू बी, हाइसन का मतलब टू बी कॉल्ड, नाम बताना. इस हाइस है, आई एम कॉल्ड, आई एम. एक ये वर्ब और देख लो बस, ये इररेगुलर वर्ब का फिर चैप्टर ओवर अभी के लिए. आर्बाइटन का मतलब टू वर्क है. इसको मैं लिख देता हूं, कुछ डिफरेंस दिखे तो बस उसको नोटिस कर लेना चुपचाप, बस और कोई बात नहीं है इसमें. एश डू एयर एस जी वीयर ईयर जी एंड जी इश आर्बाइटर डू. एक्चुअली सर फोन आ गया था, मैं बोल रहा था इरेगुलर वर्ब है ना हाइफन और एक नॉमिनेटिव वर्ब है, उसमें डिफरेंस पूछ रहा था. नो, इसमें डिफरेंस किस लिए करना है? इसमें डिफरेंस किस लिए करना है? नॉमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव का कॉन्सेप्ट तो अलग है. नॉमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव तो तीन कैटेगरी है.
वर्ब की तीन कैटेगरी होती है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डेटिव। तो ये तो बात अलग है, इस बात को अपने खोपड़ी के अलग खांचे में रखो। और उसके अलावा एक दूसरी बात है रेगुलर और इरेगुलर, उसमें इतना ही मतलब है रेगुलर इरेगुलर का, जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करे वो रेगुलर, जो उसको फॉलो नहीं करे वो इरेगुलर। अब कोई बोले कि एक कोई आदमी ऐसा है, कुछ लोग जयपुर में काम करते हैं, कुछ हैदराबाद में काम करते हैं, एक बंदा ऐसा है वो है तो जयपुर का लेकिन हैदराबाद में काम करता है, वो तू है। तो कोई बोले कि यार ये कैसी कैटेगरी हुई, तो एक आदमी की दो क्वालिटी भी हो सकती है, उनको मिक्स नहीं करना एक दूसरे में, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सारे। हाँ शाबाश, ओके बस ये लिखता हूं फिर हम नए टॉपिक में आएंगे, कूल रहो। जर्मन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसे मान के मत पढ़ोगी और ये टफ ही होगी, मेरे को कैसे आएगी, बस ऐसे देखो। इसमें मैं कोई बहुत जादू वाला काम नहीं कर रहा हूं, मैंने 20-50 कॉन्सेप्ट है वो समझ लिए हैं, और आप में से भी कईयों को वो आते हैं, बट मेरा काम ये है आपको ये बताना कि एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये है, एक ये है, और मैं कोशिश कर रहा हूं उसको एक सीक्वेंस में बताऊं, दैट्स इट। आपके पास वो ऐसे पड़े हैं तो कभी कभी आप सोचते हो यार ये तो बहुत है, लेकिन वो एक सीक्वेंस में है और सारे व्यवस्थित हैं। ये सो इश आर्बाइटर, डू आर्बाइटेस्ट, एयर आर्बाइटेट, आर्बाइटेट। इसमें एक ई एक्स्ट्रा है ना सर, एक ई एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें, है ना, बस वही चीज नोटिस करनी है। आर्बाइटन, आर्बाइटेट, आर्बाइटन, आर्बाइटन, ये इररेगुलर वर्ब है, उसमें ये है इररेगुलर वर्ब में, बस इतना ही।